अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुश विल्मोर को स्पेस स्टेशन ले जाने वाला स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर एक शनिवार को 3 महीने बाद धरती पर लौट आया। वह सुरक्षित लैंड हो गया। यह स्पेसक्राफ्ट भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे पहुंचा। यह न्यू मैक्सिको के वॉइट सैंड स्पेस हॉर्बर रेगिस्तान में सुरक्षित लैंड हुआ। अमेरिकी भारतीय नागरिक सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में ही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा बताया कि स्पेसक्राफ्ट ने सुबह 9:15 पर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। इसके बाद इसकी गति करीब 2.735 किलोमीटर हो गई। लैंड होने से ठीक 3 मिनट पहले ही सुरक्षा के लिए स्पेसक्राफ्ट के 3 पैराशूट भी खुल गए। बोइंग कंपनी ने नासा के लिए यह स्पेसक्राफ्ट बनाया है। 5 जून को सुनीता और बुच को इससे भेजा गया था। यह सिर्फ 8 दिन का मिशन था। तकनीकी खराबी की वजह से इसमें समय लगा। तकनीकी कारणों की जांच की जाएगी। स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी दिक्कतों और हीलियम गैस के रिसाव की जानकारी सामने आई थी। नासा ने 24 अगस्त को बताया था कि स्टारलाइनर में सेफ्टी इश्यूज की वजह से बुच और सुनीता को इससे वापस धरती पर नहीं लाया जाएगा। स्पेसक्राफ्ट खाली ही वापस लौटेगा। सुनीता और बुच को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से वापस लाया जाएगा। अमेरिकी संचार माध्यमों की रिपोर्ट के मुताबिक स्टारलाइनर की वापसी और इससे जुड़े ताजा अपडेट को लेकर नासा ने सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें बोइंग का कोई प्रतिनिधि नहीं था। नासा के मैनेजर स्टीव स्टिच ने कहा कि स्टारलाइनर ने अच्छे तरीके से लैंडिंग की है। हमने इसे जांच के लिए भेजा है। हम जल्द ही बताएंगे कि स्पेसक्राफ्ट में किस वजह से खराबी आई। नासा और बोइंग के बीच भले ही दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन दोनों मिलकर स्टारलाइनर की जांच करेंगी। स्टारलाइनर की सेफ लैंडिंग के बाद स्पेस स्टेशन में मौजूद सुनीता विलियम्स ने खुशी जताई। उन्होंने टीम की प्रशंसा करते हुए कहा है कि आप लोग बेहतरीन हैं। लैंडिंग कमांडर लॉरेन ब्रेंकी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, स्टारलाइनर सुरक्षित घर लौट आया। इसने क्या शानदार लैंडिंग की।